हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सबको हैप्पी होली। आज मैं आपको खस्ता कचौरी बनाना सिखाऊंगी। ये मैंने 250 ग्राम मूंग की दाल ली है धुली हुई और 250 ग्राम ही उड़द की। अब इन दोनों को हम मिक्स करके पीस लेंगे। इसी से मैं दही बल्ले भी बनाऊँगी और इसी पिट्ठी से मैं खस्ता कचौरी भी बनाऊँगी। खस्ता कचौरी के लिए मैं दरदरी सी पीस लूँगी और भल्लों के लिए थोड़ी बारीक। अब मैं कचौरियों के लिए डो लगा रही हूँ। 2 कप मैदा लिए, उसमें थोड़ी सी मैंने अजवाइन और आधा चम्मच नमक और 3-4 चम्मच मैंने ऑयल डाला है और इसको हम गुनगुने पानी से जैसे रोटी का आटा लगाते हैं वैसा ही लगाएंगे, ना ज़्यादा लूज़ ना ज़्यादा सख्त, नॉर्मल आटा लगा के और ढक के रख देंगे हम इसको। कम से कम आधा घंटा पहले आप इसको गूंथ के रख दीजिए तो उससे आपकी कचौरियाँ बहुत अच्छी बनेंगी। अब इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और मैं गुनगुने पानी से इसको गूंथ रही हूँ। ये देखिए मैंने लगा के रख दिया है, बिल्कुल सॉफ्ट आटा है और इसको हम ढक के रख देंगे। अब मैं पिट्ठी की तैयारी कर रही हूँ। ये मैंने आधा चम्मच सौंफ है, थोड़ी सी हींग, अजवाइन, जीरा, धनिया कुटा हुआ और चिल्ली फ्लेक्स और आधा चम्मच नमक और ये दरदरी दाल पीसी हुई है। अब इसको हम पानी में घोल के 15 मिनट के लिए रख देंगे ताकि दाल हमारी फूल जाए। आप दाल भिगो के भी पिट्ठी बना सकते हो, नहीं तो इस तरीके से भी बना सकते हो। और सारे मसाले मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं, दाल के अंदर। और दाल में भी मैं गुनगुना ही पानी डाल रही हूँ ताकि ये अच्छे से फूल जाए। और मिक्स करके हम इसको ढक के रख देंगे 15 मिनट के लिए। अच्छे से मिक्स कर दीजिए, दाल फूलेगी। दोनों चीज़ें अब मैं ढक के रख दूंगी और ये मैंने एक पैन चढ़ा दिया, इसमें 1-2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला है और जो हमने दाल भिगो के रखी हुई थी वो डाल देंगे। सिम गैस है मेरी, इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया और इसको सिम गैस पे भून लेंगे कलर चेंज होने तक। ये मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी बना ली है और हम सरसों का तेल ही यूज़ करते हैं तो मैं सरसों के तेल में ही बनाऊँगी। पीली सरसों का तेल है, ये बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे कचौरियों का। रिफाइंड हमने बिल्कुल खाना बंद कर किया हुआ है। और ये मैदा को हल्का से रिफाइंड लगा के मैंने सॉफ्ट कर लिया है और अब मैं लोइयां तोड़ रही हूँ कचौरी के लिए। साइज़ आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हैं और ऐसे मैदा की एक लोई ले कर कटोरी सी बना के उसमें पिट्ठी बीच में रखिए और चारों तरफ से फोल्ड कीजिए और ऊपर जो एक्स्ट्रा मैदा है उसको हटा दीजिए। अंगूठे और उंगली के बीच में इस तरीके से करेंगे तो हमारी कचौरियाँ फटेंगी नहीं। और इसको पैक कर दीजिए। ऐसे करके मैं सारी कचौरियाँ तैयार कर लूँगी। 6-7 कचौरियाँ इकट्ठी ही तलूँगी तो पहले मैं वो तैयार कर रही हूँ। अब की होली पे ये खस्ता कचौरी और आलू टमाटर की सब्ज़ी बना के देखिए। और इसमें बेलन यूज़ नहीं करूँगी मैं, हाथ से ही ये फैल जाती है। इस तरीके से आप रिफाइंड लगा के या तेल लगा के फैला दीजिए, बहुत आराम से फैल जाती है। और हल्की सी मोटी ही रखिए, ज़्यादा पतली नहीं। और मेरी गैस मीडियम है इस टाइम। जब कचौरियाँ मैं इसमें डाल दूँगी तो हल्की सी और कम कर दूँगी मैं। ये मंदी मंदी गैस पर सिकनी चाहिए तभी खस्ता बनेंगी ये और अंदर तक सिकेंगी। हलवाई भी इसी तरीके से बनाते हैं, ये देखिए। अब एक तरफ से हमारी ये सिक चुकी हैं। गैस मेरी इस टाइम सिम है और बिल्कुल गोल्डन कलर की। जब तक ना हो जाएं तब तक मंदी गैस पे सिकते रहने दीजिए।
तैयार हरी खस्ता कचौरी। ये देखिए मैंने आलू टमाटर की सब्जी बना ली थी और कचौरियाँ हमारी तैयार है। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा और एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। सबको हैप्पी होली।